आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि जी। में एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों को हम आज के डेली डिवोशन में आपका वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि आपके जीवन में प्रभु ने अपनी अपनी वो तमाम अनुग्रह, अपनी कृपा, अपनी भलाई आप सब पर दिखाई है कि हम प्रभु की दया से अब तक जीवित हैं ताकि अपने मुख से हम प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके हर एक उन उत्तम बातों के लिए, उत्तम वरदानों के लिए जो प्रभु हमें देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके तमाम आशीषों वरदानों के लिए जो खुदावंद आप हमें देते हैं पिता। सच में खुदावंद ईश्वर राजा, अगर हम आपकी आशीषों को गिने पिता तो गिनना बहुत ही असंभव है पिता। ये हर पल हम जो सांस लेते हैं खुदावंद, ये आप ही की आशीष है कि प्रभु जी आपकी अनुग्रह से हम सभी जीवित हैं ताकि अपने जीवन से आपके नाम की गवाही को दे सके खुदावंद। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने आज के इस पवित्र दिन में हमें यह अवसर दिया कि प्रभु जी हम आपके भवन में जाकर आपको अपने धन्यवादी रूपी भेंट को चढ़ा सके, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आप अपने वचन से हमें मामूर करते हैं, वचन के द्वारा खुदावंद आप हमसे बात करते हैं क्योंकि प्रभु जी वचन आप स्वयं हैं। ओ त्रिएक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप ना हमें कभी अकेला छोड़ते हैं खुदावंद, आप सदैव हमारे साथ रहते हैं क्योंकि हम वचन में सीखते हैं कि प्रभु जी आप आरंभ से ही हमारे साथ हैं पिता। और प्रभु जी आपने पवित्र आत्मा के रूप में अपने में सहायक दिया है जो हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहता है। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए कि आप हमारे साथ रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें सही दिशा सही मार्ग को दिखाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हम सभी अपने प्रिय भाई बहनों के लिए खुदावंद जो इस समय प्रभु जी हमारे साथ एकत्रित हैं और आने वाले हैं पिता आपकी हुजूरी में। हर एक एक के जीवन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता, हर एक के जीवन की प्रभुता हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, आप ही का कंट्रोल होने पाए क्योंकि प्रभु जी जब हम अपने आप को पूरी रीति से आपके कंट्रोल में करते हैं पिता तो कोई भी पाप हमारे द्वारा नहीं होता क्योंकि प्रभु जी आप हमारे साथ है, आप हमारी अगुवाई करते हैं खुदावंद। प्रार्थना विनती करते आज के इस डेली डिवोशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता, पूरी रीति से प्रभु जी हम सभी भाई बहन अपने आप को आपके सम्मुख अर्पित कर सके और आज का वचन जबकि आपके दास के माध्यम से दिया जाएगा खुदावंद, प्रभु जी आप कंट्रोल करना पिता, अपने दास को पूरी रीति से प्रभु जी अपने कंट्रोल में रहना प्रभु जी, मुख उनका लेकिन वाणी आपकी हो पिता। और प्रभु जी हम सभी भाई बहन जितने भी सुनने वाले पिता प्रभु जी आपके वचन को हम ग्रहण कर सके पिता, उस पर चलने के लिए आपसे सामर्थ को मांगते खुदावंद। प्रभु जी इस पूरे डेली डिवोशन के सेशन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी व्यवस्थाओं को आपके हाथों में देते हैं और प्रभु जी आपका कंट्रोल हम सब पर बना रहे। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की आज की इस रात्रि में। तो आइए हम वचन में चलने से पहले परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे क्योंकि हम इस बात को हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु हमारे साथ सदैव रहता है, सदैव रहेगा और वो कहता है मैं इस जगत के अंत तक, हमारे जीवन के अंत तक नहीं, वो इस जगत के अंत तक हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Oh,
प्रभु हमारे साथ है मेरे प्रियो, चाहे कोई भी विपरीत हालात मेरे जीवन में आपके जीवन में, प्रभु हमारे साथ है। अपना विश्वास प्रभु पर रखे, किसी मनुष्य पर विश्वास न रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी जीवन रूपी नैया में हमारा प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है इधर उधर मत ताक, हमारी दृष्टि हमारे प्रभु पर बनी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, तू दूर हो जाए, तू यीशु के साथ है, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। संसार में हम जब तक हैं, चिंताएं परेशानियां निराशाएं हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। इन निराशाओं से निकालने के लिए वो हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करना।
हमारे साथ है। हालेलुया, वो हमारे साथ है, यानी कि हमारा त्रिएक परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और खुदा आज की रात्रि में मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन आज बहुत आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि आज प्रभुवार है, और प्रभुवार में हम आज अपने खुदा से पवित्र हैकल में मुलाकात कर सके। हालेलुया। और मेरे साथ आज पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 5 पद क्या कहता है? पर जो कोई उसके वचन पर चले, हालेलुया, जो कोई, चुने हुए लोग नहीं, कोई संबंधित लोग नहीं, जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हालेलुया, जो कोई पर उसके वचन पर, यानी परमेश्वर के वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सिद्ध हुआ है। हालेलुया, हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। किससे? जब परमेश्वर का वचन, जो वचन पर चलता है, और जब परमेश्वर के वचन पर जब हम चलते हैं मेरे प्रियो, उसमें जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता। हालेलुया, कोई बात सोचने की, कोई नेगेटिव बात आपके दिमाग में नहीं आई। हालेलुया, हमें इसी से मालूम होता है। क्या मालूम होता है? इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जब परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके हृदय में होगा मेरे प्रियो, तो पता लग जाएगा कि क्या पता लगेगा कि परमेश्वर मुझ में और आप में है। हालेलुया, खुदा का कलाम, हमें कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। खुदा का वचन मुझे और आपको सारी चीजों को खोलकर बताता है। यूहन्ना 14 उसका 23 पद, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 23वां वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी हां, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि कोई, यहां भी यही है, कोई चुने हुए लोग नहीं है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, जो भी, चाहे वो गोरा हो, काला हो, लंबा हो, छोटा हो, चाहे वो किसी भी विश्वास का हो, हालेलुया, अगर उससे प्रेम रखेगा तो वो किस पर चलेगा? मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया, जब मैं और आप प्रभु के वचन पर चलते हैं, उसको मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, और तो वो क्या कह रहा है, कितना जबरदस्त वायदा उसने किया है, वो वायदा किया है कि मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया, उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे और मेरे वचन पर चले, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। गारंटी दी है वचन के अनुसार, इंश्योरेंस है, पूरा इंश्योरेंस किया है। हालेलुया, क्या इंश्योरेंस किया है? उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और हम, यानी पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया, यानी हमारे साथ जब मैं और आप ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर दोनों हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो? खुदा का वचन
खुले शब्दों में मुझे और आपको समझा रहा है कि वो वास करेगा। हम देखते हैं ना कि एक व्यक्ति बड़ा फल फूल रहा है, बड़ा आनंदित है, बड़े हिसाब से उसके कोई कमी घटी नहीं। कल तक ये व्यक्ति बड़ा कमजोर था, कल तक ये व्यक्ति इसके जीवन में सारी निराशाएं थी, लेकिन इस व्यक्ति ने परमेश्वर के प्रेम को जाना, उसके वचन पर चला, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा मेरे वचन पर चलेगा, मैं और पिता उसके साथ रहेंगे, उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूं जीवन बदलता है मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप तो उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, उसके अनुसार नहीं चलते। क्या मैंने और आपने कभी परमेश्वर को देखा है? मूसा जैसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर उसके साथ रहता था, मूसा ने दर्शन करना चाहा परमेश्वर का, क्या दर्शन किया? नहीं मेरे प्रियो, वो दर्शन कर ही नहीं पाया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर में इतना तेज है कि मैं और आप जो गुनहगार लोग हैं, मैं और आप उस तेज को देख नहीं सकते। और याद करिए वो मंजर, जब मूसा तख्तियों पर ऊपर लेने गए थे पर्वत पर, और वहां से जब वो लौटे तो उन्होंने अपने मुंह पर क्या डाल रखा था? कपड़ा। और जब कपड़ा डाल रखा था तो इतना जबरदस्त तेज था मेरे प्रियो कि वो तेज जो लोग उसके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाए जब उसने कपड़ा डाल रखा था, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसे कहा था कि तू दरार में से देखना, क्योंकि जो मेरा दर्शन करेगा वो मर जाएगा, क्योंकि उसका तेज इतना जबरदस्त है कि बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, कभी किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा? यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे, खुदा का कलाम गहरा है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें क्या रहेगा? बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। पहला यूहन्ना 4:12-13। मेरे प्रियो, ऐसा होता है, मैं और आप तो अभी इन बातों पर चल नहीं रहे। यूहन्ना 14:21 क्या कहता है? यूहन्ना उसका 14:21 क्या कहता है? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। मेरे पिता, मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, जब मैं और आप माता पिता हैं और जब मेरे और आपके बच्चे आज्ञा मानते हैं तो बड़े खुश होते हैं ना, बड़े आनंदित होते हैं, अरे इसने तो हमारी बात मानी, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने। इसी प्रकार से परमेश्वर पिता भी बड़ा आनंदित होता है जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। हालेलुया। वो कह रहा है जो मेरी आज्ञा, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता, जैसे मैंने पहली बार से होता, पिता प्रेम रखता रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। आप और मैं भाग्यवान हैं अगर मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर प्रकट होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए मेरे प्रियो, अपने आप को तोड़ दीजिए, घुटनों पे आ जाइए, परमेश्वर के चरणों में जुड़ जाइए। आज्ञा मानने से, एक आज्ञा ना मानने के कारण, एक आज्ञा ना मानने के कारण आज मानव जाति को कितना कष्ट बर्दाश्त करना पड़ रहा। जो आशीषें, जो बरकतें हमारे लिए थीं, वो हमसे दूर चली गई। क्यों? कारण ये था कि उस आदम ने जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उस आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना और उसका 5:22-2 क्या कहता है? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मेरे बच्चे, आपके बच्चे,
जब हमसे प्रेम रखते हैं तो वो हमारी आज्ञाओं को मानते हैं ना। नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं मम्मी, आपने मुझसे ऐसा कहा था, मैं उसके लिए तैयार हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। ऐसी मुझे और आपको परमेश्वर पिता के सामने जाना है, परमेश्वर पिता की जो आज्ञा है, परमेश्वर पिता की जो बातें हैं, परमेश्वर की जो इच्छा है, उसको मुझे और आपको जानना है। और इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की, परमेश्वर जो है अपनी संतानों से क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेम करता है। रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य और उसका 14वां अध्याय उसका 12 पद कहता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य वो घटना है जो होने जा रही है। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते। हालेलुया, आज हम बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:18 कहता है, पहला यूहन्ना 4:18 कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जब मैं और आप अपने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं पर चलते हैं तो हमारा प्रेम उसके साथ हो क्या होता है, जुड़ जाता है, और हम उसके प्रेम में लिप्त हो जाते हैं, वो हमारे प्रेम में हो जाता है। हालेलुया, और कोई डर नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, जब जब हम कोई गलत काम करते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, तो हमें डर रहता है, अरे यार परमेश्वर ऐसा ना कर दे, परमेश्वर ऐसा ना कर दे। हमारे माता पिता से जब हम अपनी बातों को छुपाते हैं, हमारे बच्चे, तभी वो बच्चे भी डरते हैं, अरे हमें ऐसा नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यस, वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ मेरे प्रियो। जब मैं और आप परमेश्वर के पुत्र को, जो कोई मान लेता है, किसको, परमेश्वर यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मान लेता है, जो कोई, परमेश्वर उसे बना रहता है और वो परमेश्वर में। हालेलुया, क्या इस बात को मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को माने, जो भी अन्य विश्वास के भाई बहन हैं जो इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनमें बना रहता है, वो परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर उनसे जुड़ा रहता है और वो परमेश्वर में। हालेलुया, पहला यूहन्ना 2:3 कहता है, यदि हम उसके आज्ञाओं को मानेंगे, हालेलुया, जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसमें हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं मेरे प्रियो, तो सच कहता हूं मेरे प्रियो, उस समय हम ये जान जाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो जान जाते हैं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। हालेलुया, लूका रचित सुसमाचार उसका 11:28 कहता है, यीशु मसीह ने कहा, हाँ परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते। हालेलुया, आज लोग कह रहे हैं कि हम बड़ी परेशानी में हैं, परिवार में टूट रहा है, हमारा आपस में संबंध ठीक नहीं है, परिवार के लोगों से रिश्ते ठीक नहीं है, हमारे घर में परेशानी है, हमारे घर में बीमारी है, हमारे घर में तकलीफें हैं, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। क्या आपने उसके पीछे के रहस्य को जानना चाहा? क्योंकि मेरे घर में ना तो प्रार्थना होती है, ना तो मेरे घर में वचन पढ़ा जाता है, हमारी जो बाइबल रखी है वो धूल चाट रही, वो रखी है हमें मालूम नहीं। जब कभी पासवान या प्रभु के सेवक लोग आते हैं, अरे बहन और कहते हैं, जरा सा आप हमें अपनी जो बाइबल है उसे दिखाइए, और वो आ रहा है जब बाइबल को लेकर के, उस पर से धूल झाड़ता हुआ, धूल झाड़ते हुए आ रहे, मतलब जीवित कलाम को आपने रख रखा है,
जिसका उपयोग आपको करना है वचन के द्वारा। वो कह रहा है जो वचन सुनते हैं और जो वचन को मानते हैं, धन्य कहा है परमेश्वर ने उसको। क्या कहा है? धन्य कहा। मैं और आप जो आज परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप और मैं धन्य लोग हैं मेरे प्रियो, धन्य लोग हैं। साम भजन संहिता 106 उसका 3 पद कहता है, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं, क्या ही धन्य है वो जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। लोग आपके ठट्टा उड़ाते हैं, आपको कहते हैं अरे भाई क्या ये बकवास है, हर समय खुदा 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 खुदा। मेरे से भी एक भाई ने बोला, क्या हर समय आप खुदा की बातें करते हैं, खुदा को महिमा देते हैं? अरे आप बहुत आपकी पत्नी ने बहुत अच्छा वचन बोला, उसने वचन बोला, ऐसा वचन था, ये था। तो मैंने कहा इसमें परमेश्वर की महिमा है, सारी महिमा परमेश्वर को मिली। तो भाई कहते हैं अरे आप तो हर समय परमेश्वर को वो कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं, ये आपका है। नहीं, मैंने कहा नहीं, अगर परमेश्वर ना दे तो मेरे और आपकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है कि हम कुछ कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हर समय मुझे और आपको धर्म के काम करने हैं। साम 119 उसका 146 पद कहता है, मैंने तुझसे प्रार्थना की और तू मेरा उद्धार कर। जब मैं और आप खुदा से बात करते हैं, खुदा के सामने अपनी बातों को रखते हैं मेरे प्रियो, तो जान लीजिए कि मेरा और आपका उद्धार होता और मैं तेरी चेतावनियों को मानूंगा। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में जो चुनौतियां लिखी हैं, जो बातें लिखी हैं, उन बातों को मुझे और आपको क्या करना है? मानना है मेरे प्रियो। हालेलुया। इज़किल यशकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसका 27 पद कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार काम करोगे करोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर खुश होगा, परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों पर चलोगे और मेरे नियमों पर चलकर उसके अनुसार जीवन जियोगे। हालेलुया। हम तो शैतान की बातों पर, शैतान के नियमों पर चलना पसंद करते हैं मेरे प्रियो। ये है मेरा और आपका जीवन। नीति वचन 8 अध्याय 32 पद कहता है, इसलिए अब हे पुत्रों मेरी सुनो। हालेलुया। क्या कह रहा है? हे पुत्रो मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। मार्ग को पकड़ने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार मैं और आप अपने जीवन को व्यतीत करें। चाहे कोई भी बात हो, हमारा विश्वास, अटूट विश्वास परमेश्वर पर बना रहना चाहिए। हालेलुया। साम 105 उसका 45 पद कहता है, क्योंकि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें, यह की स्तुति। हालेलुया। यहोवा की स्तुति करो मेरे प्रियो, जब मैं और आप उसकी विधियों को मानते हैं, उसकी बताई हुई व्यवस्था पर चलते हैं। चलना है, खुदा कह रहा है कि इन बातों को मुझे और आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 30 पद, पहला अध्याय 30 पद कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान अर्थात ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में होकर चलेंगे,
तो परमेश्वर अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान, अपने धर्म की बातें, अपनी पवित्रता और हमारे पापों से हमें छुटकारा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय ब्रदर, हालेलुया, प्रभु आशीष दे आपको। यूहन्ना 6:56, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 56वां पर्व क्या कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अर्थात बहुत से लोगों का सोचना है, बहुत से लोगों का मानना है कि अरे हम जो रविवार को प्रभु भोज होता है, अरे हम उसमें नहीं ले, हम नहीं ले सकते, हम तो बड़े पापी हैं, बड़े गुनहगार हैं, हम उसके बदन और लहू को नहीं ले सकते। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने इस व्यवस्था को जो बनाया है, इसको कहा है, वो कह रहा है, वो कहता है जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझमें स्थिर बना रहेगा। ये आपकी और मेरी स्थिरता के लिए है, जब मैं और आप उसके बदन में शिरकत करते हैं, मैं और आप प्रभु भोज में शिरकत करते हैं मेरे प्रियो, तो मैं और आप स्थिरता में बढ़ते हैं। हालेलुया, जो लोग ये कहते हैं कि हम नहीं लेंगे, हम तो इस लायक नहीं, नहीं मेरे प्रियो, ये मुझे और आपको लेना आवश्यक है। ये वचन कह रहा कि हमें स्थिरता मिलती है। हालेलुया, साम 119 भजन संहिता 119 उसका 4 पद कहता है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं, खुदा का कलाम कह रहा है, जो उपदेश प्रभु ने मुझे और आपको दिए हैं मेरे प्रियो, इसलिए कि वो यतन से माने जाए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, मुझे और आपको उसको यतन से मानना है मेरे प्रियो। आपके जीवन में, मेरे जीवन में आशीष और बरकतें भर जाएंगी जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। मैंने हमेशा एक बात कही है मेरे प्रियो, कि लोग दूसरे को बढ़ते हुए देखते हैं कि अरे ये कल तक तो बिल्कुल बेकार था, इसके पास नौकरी नहीं थी, इसके पास कुछ नहीं था, आज एक कुछ दिनों के बाद से इसका जीवन बदल गया। जब मैं और आप प्रभु के साथ उसके वचनों को यतन से मानते हैं, उसके उपदेशों को मानते हैं मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में तब्दीली हो जाती है, बदल जाता है। मेरा और आपका यीशु मसीह जो पाप को जानता नहीं था मेरा प्रियो, वो पवित्र था, अज्ञात था पाप से, उसी को हमारे लिए क्या ठहराया गया, पाप ठहराया गया। उसी प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके गुनाहों की तरह के लिए पाप ठहराया गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, हम परमेश्वर की क्या बन जाए, धार्मिकता, जो उसकी धार्मिकता है वो हमारे अंदर आ जाए, हम पवित्र हो जाए, हम गुनाहों से बच जाए। प्रेज द लॉर्ड, इफिसियों 8:5 कहता है, जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा। कौन? जो भी परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा मेरे, और बुद्धि का मन समय और न्याय भेद जानता है। वो बुद्धि ऐसी देगा कि जो समय के अनुसार मेरे और आपको बताएगी कि मुझे और आपको कैसे चलना है। हालेलुया, क्या जानते इस बात को? अरे वो भाई तो बड़ा अच्छा है, मेल मिलाप करता है, बड़े न्याय के साथ चलता है। हम जब लोगों के लिए बोलते हैं तो वो उसी लिए है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की मर्जी से चलते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत सी दुर्घटनाओं से, बहुत सी नहीं बल्कि 100% दुर्घटनाओं से, बुरी चीजों से, बुरी बातों से, बुरे टकराव बातों से बचाता है, जोखिम से, जब मैं और आप उसकी आज्ञा पर चलते हैं। और वो मुझे और आपको बुद्धि भी देता है कि मुझे किस तरीके से उसके जीवन, अपने जीवन को उसके अनुसार कैसे गुजारना है। प्रेज द लॉर्ड, अजीत भाई, जय मसीह की, प्रभु आप बहुत आशीष दे भाई, आपके परिवार को, आपके बच्चों को आशीष दे। हालेलुया,
वो बुद्धि और ज्ञान देता है मेरे प्रियो। और जो मैं और आप जब परमेश्वर से जुड़े रहते हैं ना मेरे प्रियो, तो क्या होता है वो जीवन का मजा ही अलग होता है। यूहन्ना 15:5 कहता है मैं दाख लेता हूं, परमेश्वर कह रहा मैं दाख लेता हूं, यीशु मसीह कह रहा तुम मेरी डालियां हो, आए मसीह हो, आए विश्वासी हो, तुम मेरी डाले हो। अब एक डाल तो सिगरेट पी रही है, एक डाल शराब पी रही है, एक डाल कुछ और कर रही है, एक डाल बेईमानी कर रही है, लेकिन जो कह रहा है मैं दाख लेता हूं तुम मेरी डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं। हालेलुया। गारंटी देखिए, हर वचन में हर बात में प्रभु यीशु मसीह गारंटी देता है, और मैं उसमें बना रहता हूं, हो गई गारंटी। कह रहा है कि जो मैं दाख लेता हूं तुम मेरी डालियां, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें रहता हूं, और वो बहुत सा फल फलता है। हम कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति कैसे बढ़ गया, कैसे फलवंत है, बीमारी से बचा है, बुराइयों से बचा है, गलत बातों से बचा है, इसके पास आनंद और शांति है, दुनिया की सारी चीजें भी हैं, आत्मिक चीजें भी हैं, और जो सामाजिक चीजें हैं वो भी इसके पास है। हालेलुया। क्यों है? अब ये मतलब है, क्योंकि लिखा है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, ये भी बात है। आज जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, परिवारों में कठिनाइयां हैं, बच्चे बिगड़ चुके हैं, बुराइयों में जा रहे हैं, कारण ये है कि आप परमेश्वर में जुड़े ही नहीं है, आप परमेश्वर नहीं है, तब ऐसे आपके घटना घट रही जीवन। हालेलुया। अब बड़ी बात एक और वर्स कहती है, बड़ी सुंदर, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और ये तीसरा समय है जिसको मैं शेयर कर रहा हूं। एक समय हमने किसी एक जन्मदिन में जाकर के इसका प्रचार सुना, दूसरा आज हमने चर्च में सुना बहन के द्वारा, और आज मुझे भी परमेश्वर ने यह अवसर दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कह रहा है सो यदि कोई, सब नहीं, कोई यदि कोई मसीह में है, जो मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। क्या है वो? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो वो सब नई हो गई। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पुराना जीवन, मेरी पुरानी बातें, मेरे गुनाह, जब मैं मसीह में आ गया, जब मैं मसीह में जुड़ गया और मसीह के साथ मेरी संगति हो गई, तो वो सब बातें बीत गई, खत्म हो गई। मत कहिए कि ये गुनेगार व्यक्ति है, लोग प्रचार करने वालों को जब देखते हैं, अरे ये तो वही अमुक व्यक्ति है, ये तो बहुत नशा करता था, ये तो बड़ा गुनाह करता था, ये तो बड़ा झूठा व्यक्ति था, ये तो बड़ा पापी व्यक्ति था, इस लोगों के साथ ऐसा किया। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है यदि, सो यदि कोई मसीह में है, कोई भी अन्य विश्वास का व्यक्ति भी अगर मसीह में आ जाता है, मसीह को देख लेता है, मसीह को पहन लेता है, तो वो नई सृष्टि है, और मसीह के विश्वास में जब आ जाता है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। देखो सब नहीं हो गई। अब उस व्यक्ति को ये कहने का मुझे और आपको अधिकार नहीं है कि देखो ये तो आज प्रचार कर रहा है, ये तो ऐसा था, ये तो गुनाह करता था, ये तो सिगरेट पीता था, उसने त्याग दिया क्योंकि वो परमेश्वर में आ गया, और जो भी वो कोई भी अन्य विश्वास का व्यक्ति हो, जो उसमें आ गया वो नया हो गया। Praise the Lord, Hallelujah। और लिखा है, अंतिम पद पे जाते हैं क्योंकि समय अधिक हो गया है, रोमियों की पुस्तक 8:1, बड़ी सुंदर बात कहता है। क्या कह रहा है?
सो अब जो मसीह यीशु में है, हालेलुया, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह में, जो भी, जो कोई, सो अब जो मसीह यीशु में है, मसीहों की बात ये नहीं, क्रिश्चियनिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो प्रभु में आ जाएगा, प्रभु की आज्ञाओं पर चलेगा, प्रभु की मर्जी से चलेगा, प्रभु के वचन के अनुसार चलेगा, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलेगा, प्रभु जैसा स्वभाव रहेगा, उसमें प्रभु की नम्रता होगी, उसमें प्रभु का प्यार होगा, उसमें प्रभु की उपस्थिति होगी, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये है उसका कारण, वो शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और अंतिम पद कुलुसियों 2:9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की, यानी ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है, यानी देह में होकर वास करती है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, खुदावंद इस वचन को बहुत आशीष दे, बरकत दे, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और यूट्यूब पर भी आप इसको देख सकते हैं, वहां भी जाकर उसको शेयर करें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आई एम प्रार्थना। धन्यवाद 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 के साथ खुदावंत तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्यार के लिए प्रभु, तेरी दया के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। तेरा रहम, तेरी करुणा, तेरी दया हमारे साथ रहे प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन इसे देखा, और जो बार बार देखेंगे प्रभु जी, और जितनी बार देखेंगे मेरे पिता, उतनी बार इसको देख के आशीष, सुन के आशीष होंगे, यह विश्वास कर प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस समय जहां कहीं तेरे वचन के बारे में, तेरे वचन की शेयरिंग लोग कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, विनती, बहुत से लोग, बहुत से पासवान, बहुत से सेवक रात को 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तेरे वचन को लेकर लोगों के पास आ रहे हैं, और लोग सुन रहे हैं प्रभु, आनंदित हो रहे हैं, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौजवान बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, सब पर आप आशीष दें, बरकत दें, अपना अनुग्रह दें, जो किसी भी हालात से बिगड़े हुए हैं प्रभु, यीशु मसीह तेरे हाथ में उनको सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन परिवारों में पति पत्नी में टकराव है, बन नहीं रही है, आपस में झगड़ा है, प्रभु सारे विपरीत हालातों को बदलने वाला मेरे खुदा तू है, तेरा हम धन्यवाद देते प्रभु, हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। और जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा सबको आशीष दीजिए, सबको बरकत दीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परिवार के लिए जी, बिल्कुल आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे अभी और इसी वक्त। हालेलुया, आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए प्रभु। भाई मानक ने जो प्रार्थना रखी है पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से उस परिवार पर मैं आशीष बोलता हूँ। उस परिवार में कोई कमी है, फाइनेंशियल, आत्मिक, शारीरिक, कोई भी कमी है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उस पर आशीष बोलता हूं। प्रभु आप दया कीजिए, आपका अनुग्रह इस परिवार पर होने पाए प्रभु। और जितने परिवार किसी पीड़ा में है, किसी तकलीफ में है, कोई टकराव है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी रूप से किसी परिवार में कोई कमी घटी है, बच्चों में और माता पिता में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है प्रभु, हरेक को मैं तेरे हाथों में आता प्रभु, तेरे हाथों में देता हूं। परिवार के खंडन होने से तू रोक दे प्रभु, और अपनी दया कर। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं,
आमीन आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो कुछ चीजें आपसे शेयर करनी थी। कल सोमवार है, मंडे है, हमारी आदरणीय बहन सिस्टर रीता शर्मा जो नागपुर से हमारी बहन है उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो कल वचन को लेके आएंगी। और रात्रि में 8 से 9 सिस्टर रेणुका सैलेस जी जो कि हमारी बहन दिल्ली से है, हमारी आदरणीय बड़ी बहन है, इन दोनों बड़ी बहनों को हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे ताकि प्रभु के वचन को बड़ी भरपूरी के साथ ईमानदारी के साथ वो सेवा कर सके। और रात के डेली डिवोशन के लिए प्रार्थना कीजिए और आशीष मांगिए कि हम लोग और भरपूरी के साथ प्रभु के कलाम को निडर होकर के शेयर कर सके, लगातार प्रभु में होके मिलते रहें। और एक निवेदन और है कि रात्रि में हम थोड़ा समय चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए रात्रि में 1 तारीख से डेली डिवोशन 10:30 बजे हम शुरू करेंगे, रात को 10:30 बजे। तो प्रार्थना में रखिए समय को भी, क्योंकि प्रभु की अगुवाई में होते हुए हम रात्रि में 10:30 से 11 बजे तक प्रभु के कलाम को शेयर करेंगे। तो हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि 1 तारीख से हम इस समय में तब्दील कर सकें, क्योंकि बहुत से भाई बहन रात्रि में नहीं जुड़ पा रहे। कारण ये है कि वो 10 बजे नहीं आ पाते, 10:30 बजे तक नहीं आ पाते, उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम और भाई बहन भी फ्री हो सकें और वो प्रभु में जुड़ सकें, क्योंकि हम सब भाई बहन जो हैं रोज मिलते हैं तो एक कड़ी के रूप में, एक मंडली के रूप में हम लोग हैं। हम मिल के जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का दर्शन हमें मिलता चला जाएगा। हालेलुया, हम सारी चीजों से फुर्सत पा के प्रभु की सेवा में लगे रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।